टीकमगढ़ शहर की नरसिंह कॉलोनी में सुभाष खरे के पुत्र के गुमशुदा होने का मामला सामने आया, जिसका नाम मयंक खरे है, जो कि दिनांक 25 सितंबर 2019 की शाम करीब 5 बजे अपने घर से पैदल गया था। जिसके घर न आने पर उसके परिजनों द्वारा फोन लगाया तो मयंक खरे ने परिजनों को बताया कि वह शहर के अस्पताल चौराहे पर है, जल्द ही घर आ जाएगा। लेकिन रात्रि 11 बजे तक घर न आने पर दोबारा कॉल लगाया गया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। मयंक पिछले 5 दिनों से लापता है। मयंक के गुम होने की सूचना परिजनों द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज करवाए गए, किंतु आज दिनांक तक उसकी जानकारी नहीं लगी। पुलिस अधीक्षक को भी एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हर बात नहीं तो आप लोग से एक काम करना, एक काम करना, सुनो एक काम करना, जो भी उनके परिजन अभी अभी भी जो है कुछ नहीं हो रहा है। 5 दिन बहुत ज्यादा हो चुके, हम लोग अमरा अनशन के लिए मजबूर ना हो जाए, मजबूर ना हो जाए। सुनो ऐसा है, पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग भी सहयोग करो। सुनो पुलिस को आज दिनांक हम लोग कुछ नहीं किया है। यहाँ पर मामला ये है कि हमारे शहर टीकमगढ़ की नर्सिंग कॉलोनी में रहने वाला श्री सुभाष खरे जी का बेटा मयंक, जिसकी उम्र 25 साल है, वो पिछले 4 या 5 दिनों से लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो हम सभी यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं और SP साहब जी को ज्ञापन सौंपा है कि उस बच्चे की जल्द से जल्द कोई पता लगाया जा सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाएं। और क्योंकि उनके परिजनों का और उनकी माता जी का जब से उनका बच्चा गया है तब से रो रो कर बहुत बुरा हाल है, और हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बच्चा अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम सभी आज यहां पर एकत्रित हुए हैं और SP साहब को ज्ञापन जी बताया। आज ज्ञापन अपने यहाँ पे आए, किसको ज्ञापन दिया, क्या मामला है? आज हम ज्ञापन देने के लिए SP साहब के पास आए थे। हमारा भतीजा मयंक जो लगभग 25 वर्ष का है, 25 तारीख की शाम 5 बजे से घर से नजर आ रहा था। इस संबंध में हमने SP साहब को ज्ञापन दिया है और 25 तारीख की रात को ही हमने थाना कोतवाली में इसकी जानकारी दी, लेकिन आज दिनांक तक मयंक घर वापस नहीं आया है। परिवारजन चिंतित है, उसकी शीघ्र सकुशलता के लिए हम लोग SP साहब से मिलने के लिए आए हैं, उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। हमने पुलिस प्रशासन को एक जानकारी भी दी है कि उनका एक साथी जिसका नाम इसाक है, वो भी लगभग 25 तारीख से नजर आते हैं, लेकिन पुलिस उसको आज दिनांक तक नहीं पकड़ पाई है, ना उस संबंध में कोई सुराग है। और हमें उस सब से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारा मयंक सकुशल हमारे घर पे आ जाए और यथाशीघ्र हमारे घर पर आ जाए। ये मयंक खरे एक लड़का है विनोद कुंज का, 25 तारीख को जो है बिना बताए घर से चला गया था, जिसमें उनके परिजन की रिपोर्ट पर जो है गुमनिशान कायम कोतवाली थाना में किया गया था। उसकी तलाश जो है कोतवाली पुलिस जो है कर रही है, उसी उसमें उनके परिजन जो है ज्ञापन देने आए थे, उनके परिचित लोग आए थे, और जो भी हमको क्लू मिल रहा है, जो भी जानकारी मिल रही है साइबर क्राइम की मदद से, अन्य जो हमारे स्रोत है वो हम टीम भेज करके उनके स्थान का पता लगा रहे हैं, और जैसे ही दस्तयाब होता है वैसे ही हम जो है आपको बताएंगे।